नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है अपने नए पोर्टल को, नई वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है। इसको लॉन्च करने में अभी जो कुछ दिनों तक ये चलता रहा था, और इसके बाद अब ये नई वेबसाइट जो है incometax.gov.in पर उपलब्ध हो गई है, और अब यहाँ से जो है इसके नए पोर्टल की शुरुआत होगी। और ऐसा कहना है डिपार्टमेंट का कि कुछ दिनों बाद जो है इसका ऑफिशियल ऐप भी जो है लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद जो है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी जो है इनकम टैक्स को इजीली भरा जा सकता है, ऐसा कहना है। और अब जो है ये जो पुरानी वेबसाइट आप देख रहे हैं, इसको बंद किया जाएगा, और यहाँ जो आप पहले लॉगिन करते थे, यहाँ पर अब पोर्टल का मैसेज दूसरा आता है। अब हमें जो है ये आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है www.incometax.gov.in, इस पर क्लिक करके जो है इसकी नई वेबसाइट पर जाना है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, नई वेबसाइट, नया पोर्टल है। इसको नाम दिया गया है e-filing 2.0, और देखने में काफ़ी बेहतर लग रहा है। इसको चलाकर देखा है, क्योंकि अभी जो है इसमें प्रोसेस चल रही है और कुछ एक्टिविटीज़ अभी भी जारी हैं। डेटाबेस भी बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए इसमें अभी कुछ समस्या आ रही है, इसकी स्पीड को लेकर, इसके ऑप्शंस को लेकर, बटन्स को लेकर, प्रोसेसिंग को लेकर। लेकिन जो है पिछले जो पहला जो पोर्टल था, उससे कई गुना बेहतर अब ये पोर्टल देख सकते हैं आप। और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस को रखा गया है, बहुत सिंपल कर दिया गया है। और ऐसा कहना है कि जो ई फाइलिंग की जो प्रोसेस होती थी, जिसमें रिफ़ंड आने में महीनों लग जाते थे, अब इस प्रोसेस से जो है आपका रिफ़ंड और आपकी समस्याएं जो हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू, इस पोर्टल के थ्रू जल्द से जल्द सॉल्व होंगी। और यहाँ पर एक चैटबॉट भी बनाया गया है, जिसपे आप जो है यहाँ हेल्प पर जाने के बाद चैट कर सकते हैं, आपके संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, आप एज ए इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन है तो आप यहाँ पर जो है गाइडेंस ले सकते हैं, रिटर्न देख सकते हैं कि आप कौन सा रिटर्न एप्लीकेबल होता है आपके ऊपर, आप टैक्स स्लैब्स देख सकते हैं, कौन सी टैक्स स्लैब जो है 60 साल से कम उम्र वालों के लिए है, और कौन सी टैक्स स्लैब जो है 60 साल से ज़्यादा, 80 साल से ज़्यादा। ये यहाँ पर जो है पूरा इसका कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर दे रखा है, आप इसको इसलिए पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। और अब इस एप्लीकेशन को कुछ इस तरीके से ही बनाया गया है, ताकि ये जो है आम लोगों के लिए भी कह सकते हैं कि इजी हो सके। इसी तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं आपकी प्रोफाइल डिटेल्स को, आप डिडक्शन देख सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं टैक्स में। अगर आप बिजनेस प्रोफेशंस में हैं तो आपके लिए ये वाला ब्लॉक आएगा, सीनियर सिटीजन्स हैं, आप नॉन रेजिडेंट्स हैं, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के तहत आते हैं तो ये आपके लिए हैं। आप अगर कंपनीज हैं तो आपकी कंपनी किस तरीके की है, डोमेस्टिक फॉरेन है, आप नॉन कंपनीज में आते हैं, आप टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, यहाँ सारी जानकारी होगी। आप डाउनलोड्स कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि आपके ऊपर कौन सा RTR जो है एप्लीकेबल होता है, RTI के कितने रूल हैं, ITR 1, 4, 5, 7, 2 जितने भी हैं, यहाँ सबकी प्रोसेस, सबका जो है यहाँ पर PDF वर्जन भी दे रखा है। आप वर्जन देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, नोटिफाइड फॉर्म भी देख सकते हैं जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर होता है उसके तहत। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ये अभी तक देखने में लग रहा है। और ये पोर्टल जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कॉल के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। आप इसको अगर रात में चला रहे हैं तो आप इसको नाइट मोड पर क्लिक कर सकते हैं। ये नाइट मोड में हो जाने के बाद जो है और भी बेहतर दिखने लगता है, अकॉर्डिंग टू ये जो डेलाइट का टाइम है। आप यहां से लॉगिन कर पाएंगे, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप यहां से रजिस्टर कर पाएंगे। दोनों ही प्रोसेस बड़ी सिंपल है। आप नीचे आएंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहां सर्विसेज दी गई हैं। अब आप ई वेरीफाई कर सकते हैं आपके टैक्स को, आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं, आधार पैन ई पे टैक्स कर सकते हैं, इनकम टैक्स को आप ट्रैक कर सकते हैं, जो आपने फाइल किया है वो आप वेरीफाई कर सकते हैं आपके पैन को, आप अपना 10 नंबर जो है यहाँ से जान सकते हैं। और भी यहाँ पर शो मोर में दे रखा है, काफ़ी सारी चीज़ें करने को हैं। आप यहाँ पर इंस्टेंट ई पैन के लिए भी देख सकते हैं, TDS ऑन कैश, वेरीफाई सर्विसेज। इसके बाद दोस्तों आप ये सक्सेस इनेबलर्स देख पा रहे हैं, जो कि 31 मई को अपडेट किए गए हैं। ये इतने इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूज़र्स जो है अभी तक
इस वेबसाइट पर हैं, और ई वेरीफाइड आईटीआर जो हैं 2020-21 के, ये इतने लोगों ने ई वेरीफाइड किए हैं आईटीआर को ये इसी एप्लीकेशन के थ्रू। नीचे न्यूज़ दे रखी है, कैंपेन्स दे रखे हैं, आप यहाँ पर वीडियो के माध्यम से भी जान सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में समस्या आ रही है तो यहाँ संबंधित वीडियो बनाए गए हैं आधार लिंक करने के लिए, वर्कर्स के लिए, पासवर्ड के लिए, प्रोसीडिंग के लिए, और यहाँ पर ये कुछ टैक्स पेयर्स के जो है कमेंट्स हैं। और उसी तरीके से आप ये जो है विनर सर्टिफिकेट विनर देख सकते हैं, और नीचे ये संबंधित जानकारी दे रखी। अब दोस्तों आपको लॉगिन जो आप पहले करते थे पुरानी वेबसाइट में, उसी तरीके से आपको यहाँ लॉगिन करना है। जैसे ही आप यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, ये लॉगिन का विंडो ओपन होगा। हम यहाँ पर क्रेडेंशियल डाल सकते हैं तीन तरीके के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड का नंबर जो है, पैन कार्ड का नंबर जो है वो यहाँ पर लॉगिन में डाला जाता है, और जो पासवर्ड आपका पहले चल रहा था उसी पासवर्ड को जो है आप यहाँ पर डालेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो थोड़ी सी समस्या आ रही है इसमें, इसका पेज एक्सेसिंग इतना फास्ट नहीं है, और इसमें ये मैं सुबह से ये समस्या को देख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अदर यूज़र आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप यहाँ पर तीनों चीज़ डाल सकते हैं। यहाँ पर यूज़र आईडी के लिए लिखा भी है कि किस व्यक्ति के लिए कौन सी आईडी एप्लीकेबल है। यहाँ पर आप जैसे ही डालेंगे, ये आधार हमने पैन कार्ड डाल दिया है, और यहाँ से अब हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू करने के बाद जो है यहाँ पर पासवर्ड जो आपकी पुरानी वेबसाइट पे आपने बनाया हुआ था वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद जो है दोस्तों, यहाँ आने के बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर जो है ये हमारा ऑफिशियल कह सकते हैं कि हमारा जो पेज होता है उसमें यहाँ सेशन टाइमर चल रहा है। 40 मिनट का यहाँ पर एक सेशन टाइमर दिया गया है, 40 मिनट तक ये सेशन यहाँ चलेगा। आप देख सकते हैं वेलकम, यहाँ पर जो है 75% हमारी प्रोफाइल स्टेटस कंप्लीटेड है। इसे 100% भी इजीली कर सकते हैं आप। यहाँ पर ये सभी देखने के बाद जो है, अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद जो है दोस्तों, जो ऑप्शंस आपके लिए ओपन होंगे ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये यहाँ पर नाम आ गया है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ गया है, और आपको कौन सा रिटर्न अभी भरना है उसकी जानकारी यहाँ आ गई है। आप यहाँ प्रोफाइल देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट को डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो पेंडिंग एक्शंस हैं वो 0 हैं अभी। लास्ट लॉगिन लॉगआउट कब किया गया था ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरीके से दोस्तों, ये जो सामने ऑप्शन देख रहे हैं टैक्स डिपॉजिट का, इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप टैक्स डिपॉजिट देख सकते हैं। अभी जो है यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, और ऐसी ही काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको इसमें मिलती रहेंगी। और भी वीडियो दोस्तों हम इसके लेकर आएंगे, जो भी संबंधित कार्य होते हैं आरटीआर से और ई फाइलिंग से संबंधित। तो दोस्तों ये वीडियो आज आपको इस पोर्टल को बताने के लिए था, किस तरीके से इस पोर्टल पे आप काम कर सकते हैं। देखिए अभी भी इसमें थोड़ी थोड़ी समस्याएं हैं। ये यहाँ पर जो माय प्रोफाइल का ऑप्शन आता है लॉगिन लॉगआउट का, यहाँ पर भी जो है नाम दिखा नहीं आ रहा है। तो ये समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व होंगी, यहाँ से आप इसको इजीली लॉगआउट कर पाएंगे, और लॉगआउट करने के बाद जो है आप वापस से अपने होम पेज पर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा सफ़र इस नए पोर्टल का, इस पोर्टल पर किस तरीके से काम होगा। काफ़ी अच्छा ये पोर्टल बनाया गया है। थोड़ी सी प्रोसेसिंग जो है उस पर काम हो जाने के बाद, जब इसके अपडेट्स आते रहेंगे तो ये और भी बेहतर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके जितने भी टैक्स पेयर दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली सर्कल में आप इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।